तरह 1932 में वजीर शोभा राम जी ने बनवाया था। तो उनका ये मकसद था कि भद्रवाह में संस्कृत को बढ़ावा दिया जाए, भद्रवाही लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाए। इनके साथ उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी अटैच की थी जिनमें शॉप्स हैं, कोई लैंड्स हैं, जिनका जो जिनसे रेवेन्यू आए तो यहाँ पे इस मंदिर के डेवलपमेंट की जाए और कोई स्कूल इनके साथ बनाए हैं। बट हमारा ये इस रेवेन्यू की बजाय जो यहाँ पे शॉपकीपर्स हैं, देयर आर नियर अबाउट 86 शॉप अटैच टू द टेम्पल। बट हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें कोई यहाँ इनसे किराया नहीं आ रहा। द केस इज सब जुडिशियल इन द कोर्ट फॉर दिस पर्पज, दे आर नॉट जनरेटिंग द रेवेन्यू टू द ट्रस्ट। मोर एवर द ट्रस्ट हैज टू टेक नियर अबाउट 36 लैक्स रुपीज फ्राम द शॉपकीपर्स and still they are not paying it, although they are not giving us the new rates. But even then aap ye purane raton ke hisab se bhi rent dene ko taiyar nahi hai, to kahiyon ke 6 lakh hai, kahiyon ke 8 lakh hai. And hame wo haran gaya hai ki wo dukandar jinke lakhon rupaye ke roz ke sales hain, wo bhi hame rent dene ko taiyar nahi hai. Baakiyon ki to baat hi chhod dein. तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हम इसको कुछ मंदिर के आगे डेवलप करें, कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा काम करें कि कम से कम इस मंदिर का थोड़ा बहुत नाम चलेगा। नियर अबाउट 100 ईयर्स ओल्ड मंदिर है, उसके बाद किसी ने इसको देखा नहीं। और इवन कि मैंने यहाँ पे ये नोट किया है कि इवन कि हमारे भद्रवाह के लोग नेवर विजिट, वो मंदिर में मत्था टेकने तक नहीं आते। पता नहीं क्या हो गया कि क्योंकि शायद इसलिए कि कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई इसकी वो पब्लिसिटी नहीं है, कुछ नहीं है। और देखें ना आप, ये लोगों के लोग क्या आएंगे जो जब मेन गेट के पास ही मीट्स की शॉप्स हैं जो मंदिर के प्रीमिट्स के अंदर होने नहीं चाहिए। तो मैं ये यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इन मैटर को देखें, उसे हमारी मदद करें, सॉल्व करें ये सारे किसे। और दूसरी यह है कि मैं अपने सन वजीर बानो वजीर को वाइस चेयरमैन बनाना चाहता था कि ये विल लुक आफ्टर द डे टू डे वर्क ऑफ द टेंपल। मोर एवर जो पुरानी कमेटी जो इस टेंपल की थी, आई डिसॉल्व दैट कमेटी एंड आई एम गोइंग टू रिकंसिडर द कमेटी विद इन शॉर्ट टाइम विद प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द भद्रवाह। सर मैं चाहता हूँ कोई इसके साथ कोई स्कूल लग जाए, जो बनाया जाए जिसमें संस्कृत और भद्रवाही लैंग्वेज डेवलपमेंट की जाए, और इसका कुछ इसको खूबसूरत बनाया जाए। सारा इतना गंद है यहाँ पे, देखें आप, ना कोई सफाई हो रही है यहाँ पे। इन्होंने वो यूनियन बनाए हैं, दैट इज़ स्मेलिंग एंड ऑल दैट, चलने को जगह नहीं है वहाँ पे। ये सारा मैं चाहता हूँ कि इसको स्ट्रक्चर का सारा रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, सो दैट कि नज़र आए कि कोई टेंपल है, कोई इसमें काम हुआ है, कुछ डेवलपमेंट हो रही है। शॉपकीपर्स के लड़की के लिए वजीर शोभा राम जी ने ये ऐसे से बोला था। सर मैं शॉपकीपर को मेरा ये मैसेज कि मैं उनको कहता हूँ वो हमारे साथ तआवुन करें। हम तो उनका रिक्वेस्ट करते हैं, हमने ना उनको खाली करने के लिए कह रहे हैं, ना कुछ। हम कह रहे हैं कि कुछ अकॉर्डिंग टू जो मार्केट वैल्यू है उसके मुताबिक रेंट दें। हमने उनको इतनी देर से रेंट दुकानें दे रखी हैं, कोई हमने उन पर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। कम से कम वो हमारा किराया दें, हम मंदिर के डेवलपमेंट करें। हमने वो पैसा कोई अपने लिए नहीं लगाना है, हमने इसी मंदिर के डेवलपमेंट करने के लिए वो पैसा चाहिए। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो प्लीज़ हमें हेल्प करें और इस मंदिर की कमेटी को अपना तआवुन दें कि वो हमें इसमें डेवलपमेंट करने में हमारा साथ दें। सर उनका रेंट वही जो आज से 20-30 साल पुराना रेंट है वही चल रहा है, कि कोई 200 दे रहा है, कोई 300 दे रहा है, कोई 50 रुपया दे रहा है, कोई 1000 रुपया दे रहा है। और मोर एवर सर ये है, इन्होंने कई दुकानें मैंने सुना है कि इन्होंने सब लटकी हैं, और हमें इनका रेंट है 500 रुपया, आगे वालों से 5-7 हज़ार रुपया रेंट ले रहे हैं।
वो भी इनके साथ हमने सॉर्ट आउट करना है, सब कुछ करना है। मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हमारे साथ ताउन करें, हमारे साथ मिलजुल के इस मंदिर की जहाँ से ये रेवेन्यू जनरेट कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उसके उसका भी तो मंदिर का भी ख्याल करें कुछ। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये दुकानदार हमारा साथ देते हैं, हम यहाँ पे कुछ धर्मार्थ बनाएंगे, जो भी स्कूल बनाएंगे, इनकी बेहतरी के लिए भी होगा। वो सिर्फ हमारी बेहतरी नहीं, सारी भद्रवाह के लोगों की बेहतरी के लिए होगा, तक क्योंकि उस स्कूल में उनके लोकल जो बच्चे हैं वो पढ़ सकते, अच्छी शिक्षा तालीम कर सकते हैं। उसके अलावा दुकानदार जो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपना सोच रहे हैं, इस ट्रस्ट के बारे में नहीं सोच रहे, इस मंदिर के बारे में नहीं सोच रहे। मैं चाहता हूँ वो अपनी सोच चेंज करें और वो इस ट्रस्ट को लेके सोचे कि इस ट्रस्ट को हमने आगे बढ़ाना है, इस जगह को आगे बढ़ाना है, ताकि बाहर का यात्री जब भी इधर आए वो खुश होकर जाए, अच्छा देख के जाए और सब कुछ उसको अच्छा मिले। उसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये दुकानदार हैं, इनसे मुलाकात करके हम चाहते हैं कि ये हमारे साथ चले, ना कि हमसे अपने आर्ग्यूमेंट्स करें, जैसे हम सोच रहे हैं। जैसे अभी हम आपके आपको बता चुके हैं कि हम चाहते हैं कि ये दुकानदार हमारे ट्रस्ट को आगे बढ़ावा दें, और इससे इनको भी फ़ायदा होगा, सारे भद्रवाह के लोगों को फ़ायदा होगा, हमें फ़ायदा होगा, और हमारे दादाजी ने, वज़ीर शोभा राम जी ने, जो उन्होंने जब ये ट्रस्ट बनाया था, उन्होंने ये भी लिखा हमारे पास, उसके कागजात पड़े हुए हैं कि इस ट्रस्ट को विद द टाइम, हर एक दुकानदार का फ़र्ज है कि विद द टाइम रेंट बढ़ाना, उसके पास उसके हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स भी पड़े गए हैं, पर ये जो दुकानदार हैं ये उन डॉक्यूमेंट्स को मानते ही नहीं हैं। मैं इसलिए सारे दुकानदार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी सोच चेंज करें। जैसे वजीर शोभा राम जी ने कहा कि जिन्होंने कब्जा बना के रखा दुकानों के ऊपर, हमारे पास सारे उसके पेपर्स पड़े हैं, वो कब्जा जो बना के रखा उन्होंने, वो कब्जे में नहीं चले, अपनी सोच चेंज करें। और जैसे उनके वजीर शोभा राम जी ने जो अपने रूल्स बनाए थे कि इस ट्रस्ट को कैसे चलाना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम भी चलना चाहते हैं, और हम चाहते हैं ये जो साथ में हमारे दुकानदार भाई जुड़े हुए हैं वो भी वैसे चले। जी, जो हमने बोला अगर हमारे साथ ये दुकानदार भाई साथ चलते हैं, जो हमने बोला हम ज़रूर इन जो हमने बातें बोली है इस ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए, इस मंदिर को डेवलप करने के लिए, हम ज़रूर चलेंगे, पर उसके लिए सबसे पहले हमें इन दुकानदार भाइयों का साथ चाहिए, और जब साथ होगा तो हम पूरा वक्त देंगे, पूरी सोच, पूरा टाइम देंगे इस ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए, इस जगह की डेवलपमेंट के लिए, इस लोगों की बेहतरी के लिए। जैसे आपने काफी सालों से वहां पे दुकानदार को टिके हुए, कितना टाइम अल्टीमेट देते हो आप लोगों को कि वो आपको कोऑपरेट करेंगे दुकानदार? हम तो चाहते हैं वो हमको जल्दी से जल्दी कोऑपरेट करें, क्योंकि जितना जल्दी वो हमें कोऑपरेट करेंगे उतना ही हम इन झंझटों से निकलेंगे। जैसे कि मेरे पिताजी ने कहा ये सब जुडिशियस मैटर है, तो आप जानते हैं जब कोर्ट में केसेस जाते हैं तो कितना वक्त लगते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ इन दुकानदारों की कि वो अपनी सोच चेंज करें, कदम से कदम मिला के चले, और आगे जैसे हमने कहा कि वो हमें रेवेन्यू जनरेट करेंगे, रेंट इंक्रीज करेंगे, तो हम इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाएंगे, हम पूरा वक्त देंगे इस ट्रस्ट को, पूरा लोगों को वक्त देंगे, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, पर उनको भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। अब देखिए आगे, अब देखते हैं ये दुकानदार अपनी सोच चेंज करते हैं या नहीं करते हैं, हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं या नहीं चलते हैं।